तो फ्रेंड, जब मैं एक न्यू क्रिएटर था, यानी कह सकते हो कि मैं यूट्यूब पर आया आया था, तो यहाँ पे मुझे गाइड करने वाला कोई भी नहीं था। यानी कह सकते हो कि ना तो मैं किसी की वीडियोस को ज़्यादा देखता था और ना ही उस तरीके का मतलब कोई कंटेंट शेयर करता था जो कि मेरे लिए सुटेबल हो, जिससे कि मुझे यहाँ पर पता चले कि भाई कौन कौन सी गलतियाँ आपको नए चैनल पर नहीं करनी चाहिए, और अगर आप करोगे तो आपका चैनल जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इफेक्टिव होगा, और हो सकता है कि आने वाले कुछ महीने के बाद आपका चैनल पूरी तरीके से डिलीट हो जाए। तो यहाँ पे फ्रेंड आपको मैं बताने वाला हूँ कि जो न्यू न्यू क्रिएटर हैं वो अधिकतर क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए अपने चैनल पर। अगर वो ऐसा करेंगे तो 100% मैं गारंटीड बोल सकता हूँ कि आगे चल के उनको अपना चैनल जो है डिलीट करना पड़ेगा, और अगर डिलीट नहीं करेंगे तो आपको मैं बता दूँ कि वो चैनल उनके लिए इफेक्टिव नहीं रहेगा और ना ही उससे वो अर्निंग कर पाएंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए, क्योंकि मैं आज आपको बताऊँगा कि कैसे और कौन कौन सी गलतियाँ आपको अपने चैनल पर नहीं करनी है। फ्रेंड, वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। फ्रेंड, पहला पॉइंट आता है यहाँ पे शेयर। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई हम अपनी वीडियो को शेयर क्यों नहीं कर सकते, हालांकि हमारा चैनल तो नया है, और अगर हम नए चैनल को यहाँ पे शेयर नहीं करेंगे वीडियो को, तो फ्रेंड कैसे हमारे पास व्यू आएंगे। बहुत से जो क्रिएटर होते हैं, न्यू क्रिएटर होते हैं, वो इसमें भी कन्फ्यूज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूँ कि आपको आपकी वीडियो पर जो व्यूज़ आते हैं, यूट्यूब खुद से ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको देता है। यानी कह सकते हो यहाँ तीन तरीके हैं आपकी वीडियो पर व्यू आने के। पहला तो ये है ऑर्गेनिक वे में बात करें हम, गूगल सर्च, आपके टाइटल के अकॉर्डिंग जो भी कोई सर्च करता है तो आपकी वीडियो उस तक पहुंचती है, जिससे कि आपको व्यू मिलता है। दूसरा होता है आपका रिकमेंडेशन, यानी कह सकते हो कि कोई बंदा आपकी जैसी वीडियो देख रहा है, फिर दूसरी बार वो फिर से लौट के आएगा तो उसको भी आपकी वीडियो शो होगी। क्यों? क्योंकि भाई आपकी वीडियो भी उसी कैटेगरी पे है, उसी इंटरेस्ट बेसिस पे है। तीसरा होता है आपका सजेशन। तो फ्रेंड सजेशन का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए भाई कि आप कोई एक पर्टिकुलर वीडियो देख रहे हो और उसी के जैसी आपकी भी वीडियो है, तो आपकी वीडियो या तो बगल में शो होगी या फिर उसके नीचे जस्ट आपकी वीडियो शो होती है। अगर आप मोबाइल फोन में देख रहे हो फ्रेंड, तो यहाँ पर आपको नीचे की ओर अपनी वीडियो जो है शो होती है सजेशन में, और अगर आप पीसी या लैपटॉप पर देख रहे हैं तो आपकी वीडियो जस्ट बगल में शो होती है। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको शेयर नहीं करना है, बगैर शेयर के भी आपको अच्छे खासे व्यूज़ मिलते हैं। दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पे फ्रेंड आपका, मैं आपको बता दूं, दूसरा पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम लोग नहीं समझते इसको। यहाँ पे आता है आपका मिसलीडिंग कंटेंट। यानी फ्रेंड, अब मिसलीडिंग कंटेंट क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं कि यार ये तो पता नहीं क्या चीज़ है। मिसलीडिंग कंटेंट का मतलब ये होता है कि भाई आपने जो भी थंबनेल में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, बनाया हुआ है जिस तरीके का थंबनेल अपनी वीडियो के लिए, तो यहाँ पे आपकी वीडियो में भी वो कंटेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने थंबनेल में कुछ और लगा दिया और यहाँ पे आपने अपनी वीडियो में कुछ और बता रहे हो। यानी सीधी सी बात है फ्रेंड कि आपको थंबनेल में वही रखना है जो कि आपने अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया हो, डिस्क्राइब किया हो, या फिर जो आपने अपनी वीडियो में कॉन्टेंट रखा हो। तो यहाँ पर आपको मिसलीड नहीं करना है। अगर आप मिसलीड कर दोगे तो भी यहाँ पर आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक मिल सकती है, तो इससे आपको बचना है। अगर आप ऐसा करोगे तो 3 स्ट्राइक में आपका चैनल भी सस्पेंड किया जा सकता है। फ्रेंड तीसरा पॉइंट आता है आपका रीयूज कंटेंट। अब रीयूज कंटेंट क्या है? रीयूज कंटेंट मैं आपको बता दूं फ्रेंड, ये एक ऐसी प्रक्रिया है, जैसे मान लीजिए कि आप कोई वीडियो किसी अदर प्लेटफॉर्म पर देख रहे हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हो, और आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पसंद आ गई। अब आप सोच रहे हो कि यार क्यों ना मैं उस पर्टिकुलर वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर लूँ, क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं कि ये वीडियो जो है यूट्यूब पर होगी। हो सकता है आप फेसबुक से कर रहे हो, इंस्टाग्राम से कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप यूट्यूब से यूट्यूब पर ही कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप अपने ही किसी चैनल की वीडियो को डाउनलोड करके अपने नए चैनल पर अपलोड करने की सोच रहे हो, तो वो भी फ्रेंड मैं आपको बता दूं रीयूज कंटेंट में आएगा। भले ही आप वो चैनल डिलीट कर दिए हो, डजंट मैटर, लेकिन वो रीयूज कंटेंट में आएगा। क्यों? क्योंकि डाउनलोडेड वीडियो हमेशा रीयूज कंटेंट में आती है। अगर कोई वीडियो आप डाउनलोड कर रहे हो उसके बाद किसी प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर रहे हो, तो हमेशा वो रीयूज कंटेंट में आती है। तो फ्रेंड आपको यहाँ पर रीयूज कंटेंट से बचना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो भी आप यहाँ पर जो यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस की जो पॉलिसी है उसको ब्रेक कर जाओगे, और यहाँ पर आपको रीयूज कंटेंट के जरिए आपको पॉलिसी इशू आ सकता है, और हो सकता है कि आप अपने चैनल को यहाँ पर मोनिटाइज नहीं कर पाओ। फ्रेंड ये तो था आपका तीसरा पॉइंट। अब आते हैं फ्रेंड चौथा पॉइंट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं कोई गलती कर ही नहीं रहा हूँ, लेकिन आप बहुत प्यार से कर रहे होते हो फ्रेंड। वो क्या है कि आपको अपनी वीडियो खुद से नहीं देखनी है।
यानी कह सकते हो कि अगर आपका चैनल नया है तो अगर आप अपनी वीडियो खुद से देख रहे हो, खुद से सोच रहे हो कि भाई मैं अपनी वीडियो खुद से देखूं, खुद से व्यूज़ बढ़ा लूं, खुद से मतलब जो है लोगों को शेयर कर दूं, खुद से देख के मतलब जो है अच्छे खासे ट्रैफिक गेन कर लूं, तो फ्रेंड आप एकदम गलत सोच रहे हो। यहाँ पे आप जितने ज़्यादा अपनी वीडियो को खुद से देखोगे उतना ज़्यादा आपकी उस पर्टिकुलर वीडियो के लिए बुरा इफेक्ट पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि भाई ऐसे में यूट्यूब को लगेगा कि भाई ये बंदा देख कौन रहा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी बंदा अगर वीडियो को देख रहा है, भले ही आप अपनी वीडियो को देख रहे हो, भले ही आप दूसरे की वीडियो को देख रहे हो, तो उसके पास पूरा रिकॉर्ड होता है यूट्यूब के पास कि भाई कौन बंदा कौन से मोबाइल के आईपी एड्रेस पर किस लोकेशन पर आपकी वीडियो को देखा जा रहा है। तो ये आप याद रखना फ्रेंड, अगर आप खुद से अपनी वीडियो को देखोगे तो यहाँ पे आपको ना तो वॉच टाइम काउंट होगा और ना ही आपको यहाँ पे सब्सक्राइबर्स अच्छे खासे गेन हो सकते। सीधी बात है, सब्सक्राइबर कहाँ से गेन होंगे, वो तो आप ही अकेले हो। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको अपनी वीडियो खुद से नहीं देखनी है। तो फ्रेंड मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए, अपना स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।